पिछले दिनों के वीडियो में आप लोगों ने जल का आयनिक गुणनफल का अध्ययन किया था, जिसमें H2O जो है जल का सूत्र होता है। H2O को जो है जब हम बंधीय संरचना देते हैं तो HOH होता है। HOH में जो है सिंगल बॉन्ड होता है, या बंध का जो वियोजन कर देते हैं तो यह हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन आयन के रूप में, और यह OH जो है OH ऋणायन यानी हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में अलग होता है। H धनायन जो है अम्ल का प्रतीक होता है, और OH ऋणायन जो है क्षार का प्रतीक होता है। अब हाइड्रोजन आयन जो है अम्ल का प्रतीक होता है, तो यह धनायन को ले लिया जाए तो उसकी कंसंट्रेशन को हमेशा बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं, और OH ऋणायन की करण कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं, तो यह धनायन इंटू OH ऋणायन, और इसको लिखते हैं KW का जो मान होता है वह 10^-14 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। चूंकि यह धनायन की जो कंसंट्रेशन होगा वो OH ऋणायन की कंसंट्रेशन के बराबर होगा, यानी कि यह धनायन की जितनी सांद्रता होगी उतनी सांद्रता इसकी होगी, और OH ऋणायन के स्थान पर यह धनायन रखने पर तो यह धनायन, और उसके जगह पर यह धनायन रख देंगे तो यह धनायन इंटू यह धनायन यानी यह धनायन का स्क्वायर बराबर 10^-14। यह धनायन की सांद्रता बराबर यह स्क्वायर इधर आएगा तो कर्णीय हो जाएगा, 10^-14 मोल प्रति लीटर होगा, मोल प्रति लीटर होगा। अब यह की सांद्रता जो है आपको 10^-14 का आधा 7 होता है यानी -7 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो यह जो है जल का आयनिक गुणनफल से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10^-7 मोल प्रति लीटर होती है। अब इसको हम pH मान में लेके जाएंगे, तो इसके आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह है pH मान। आ रहा है नहीं आ रहा है? pH मान, pH वैल्यू, दिए गए पदार्थ के लिए पीएच मान का निर्धारण जो है हम करते हैं, तो पीएच मान के आधार पर उस पदार्थ के विलयन का अम्लीयता या क्षारीयता का निर्धारण होता है। अब किसी दिए गए पदार्थ के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के मान को प्राकृतिक लघुगणक मान में रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसको पीएच मान कहते हैं। और पीएच वैल्यू के लिए फार्मूला इजाज किया गया है -7/10^-6 दिया गया है, पीएच मान बराबर -log10^-हाइड्रोजन आयन। अब यह हो जाएगा आपको -log10^, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है 10^-7 -7 यह हो जाएगा -7 आगे जाएगा log10^10। अब ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो धन होगा 7 होगा, और log10^10 होगा, log10^10 क्योंकि log10^10 बराबर 1 होता है, यहाँ 1 रख देंगे इसकी जगह पे इतना। यह हो जाएगा 7 × 1 बराबर 7, यानी पीएच मान आया आपको 7। तो जल का पीएच मान जो है जब निकालते हैं तो 7 आता है, जल का पीएच मान 7 आता है। और जल कैसा पदार्थ है? उदासीन पदार्थ है। यानी कहने का मतलब यह है यदि किसी दिए गए पदार्थ के जलीय विलयन का पीएच मान 7 प्राप्त हो तो ऐसे पदार्थों को उदासीन पदार्थ कहेंगे। तो यह जल जो है आपको उदासीन विलयन या उदासीन पदार्थ है, उदासीन विलयन है या उदासीन द्रव है, क्योंकि यहां पर केवल द्रव है, विलयन तो बनाया नहीं, उदासीन द्रव है। अब इसके बाद जो है दिए गए पदार्थों के पीएच मान के आधार पर जो है पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान जो है दिए गए पदार्थ के जलीय विलयन का मान
पीएस मान के आधार पर बिलेनों को तीन वर्गों में बांटा गया। पीएच मान के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया। अब वो विलयन नंबर एक फर्स्ट, वो विलयन जिसका पीएच मान था, तो ऐसे विलयन को उदासीन विलयन बोलते हैं, अर्थात खाने पीने योग्य है उदासीन विलयन। वो विलयन जिसका पीएच मान 7 हो तो उसे उदासीन विलयन कहते हैं। लेकिन नंबर सेकेंड, वो विलयन जिसका पीएच मान जो है 7 से कम लेस है, तो ऐसे विलयन को अम्लीय विलयन कहते हैं। माने 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, तो उसे हम बोलते हैं अम्लीय विलयन। उस दिन का हमने पीएच स्केल पे भी बहुत पता है। और नंबर 3, वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो यानी 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, तो ऐसे विलयन को क्षारीय विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय विलयन। तो विलयनों के पीएच मान के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 हो, तो ऐसे विलयनों को उदासीन विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम हो, अर्थात 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे विलयनों को अम्लीय विलयन कहते हैं। और वह विलयन जिसका पीएच मान जो है 7 से अधिक हो यानी 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, तो ऐसे विलयनों को क्षारीय विलयन कहा जाता है। तो ये रहा आपका पीएच मान के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण, और यह आपका जो था वो पीएच मान। अब जो है पीएच मान की परिभाषा को जो है लिखेंगे। देखिए, बोले किसी दिए गए पदार्थ के जलीय विलयन से प्राप्त सांद्रता के मान को हाइड्रोजन आयन सांद्रता के मान को प्राकृतिक लघुगणक मान में रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे पीएच मान कहते हैं पीएच मान के आधार पर विलयन को तीन वर्गों में बांटा गया है नंबर एक नंबर नीचे लगाएंगे, वह विलयन जिसका पीएच मान 7 हो, उसे उदासीन विलयन कहते हैं नंबर सेकेंड, दो नंबर लगाइए, वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसे अम्लीय विलयन कहा जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट, तीन नंबर लगाइए, वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो पीएच मान 7 से अधिक हो
उसे क्षारीय विलयन कहते हैं, क्षारीय विलयन कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है पीएच मान को आप लोगों ने पढ़ा, और इसके बाद जो है इस पार्ट में आपको विद्युतगम्यता और संचारण से रिलेटेड जो आपको प्रोसीजर दिया गया है उसका अध्ययन जो है नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।